हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबको मेरे तरफ से राम राम जी। और अब भी क्या कहते हैं, 12:30 हो रखे हैं और लवण्या को नहला दिया, नहाया नहो के बच्चों तैयार हो गई है, सो गई है फिर से, क्योंकि रात को तो सोती नहीं है, दिन में सोती रहती है। और मुन्नू भी नहा के आ गया था, नहा नहू लिया था जब तैयार हो गया था, और अब इसने दोबारा से मुँह धोया क्योंकि इसने मुँह पर तेल लगा लिया था बहुत सारा। और अब जा रहा है मन्नू अपनी आँखें चेक करवाने के लिए मन्नू पापा के साथ। और मैंने फाइल तेरी हो कितनी फाइल इसकी, वो आंखों वाली इसने तेल लगा लिया था मुंह पर नारियल का ना। और मनु का भी नहा के पूजा होगी इनकी। हाँ जी, राम राम जी। हाँ जी, राम राम जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये प्रसाद लेके आए मंदिर से उठा के। चलो आप ले लीजिए। इसकी वो ढूंढनी है बल्ले, आंखों वाली फाइल ले रहे। अच्छा, ये तो लवण्या की लग रही चैतन्या। अच्छा, ये मन भी तो मनु का अपने ये ना रात यहाँ पे ब्लैक वाला चार्ट पेपर ले आके वो भी लगा दिया था। तो अब इस वाले रूम में ना क्या कहते हैं, अगर एसी चलेगा ना तो गर्मी से मतलब ये रूम जल्दी ठंडा हो जाएगा, है ना। ये ना मेरे मुंह की तरफ देख रहा, ये मैंने सोचा शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। नहीं, गर्मी से नहीं, सॉरी, मतलब एसी से ठंडा हो जाएगा। हे भगवान, हाँ, गर्मी ना होने से तो एसी की कूलिंग से जल्दी ठंडा हो जाएगा। अभी इस वाले बेड को भी ना हमने ना क्या कहते हैं पेंट करना है, ब्राउन कलर का करेंगे, इतना गंदा लगता है ना ये व्हाइट बेड सा। चलो कर देंगे। हाँ, अब ये दिल्ली भाग जाएंगे हमें छोड़ के, फिर हमें मुश्किल हो जाएगी। ओके बाय। मोबाइल ले लिया आपने? ठीक है, ओके ओके। मनु ने बूट नहीं पहने, चप्पल पहन के ही जा रहा है। तो मनु और मनु का पता चले गया। तो मैंने यहाँ पे लौकी काट ली है और बनाऊंगी भी लौकी की सब्जी और आटा गूंदना भी। तो उनके आने से पहले लंच तैयार कर लूँगी। खिला दिया इस बच्चे को, बहुत भूख लगी, इसने शोर मचा दिया था, तो इसको खाना खिला दिया मैंने। और मनु और मनु के पापा भी आ चुके हैं, तो अब बस मैं इनके लिए रोटी बनाऊँगी। और ये देखिए, ये लड़का ना इधर आके लेट गया। डॉक्टर ने बोला इस लड़के को कि इसको बोलो, इसको आईपैड, कंप्यूटर, मोबाइल कुछ नहीं देखना है। तो इस लड़के को नींद आने लगी। चल खड़ा हो जल्दी, उठ, चल रोटी बना ले जल्दी खा। मनु बहुत भूख लगी, थोड़ी चक्कर मैं भी नहीं खाई। रोटी बनाओ तो पहले, फिर बुलायो। रोटी बन गई बेटा, आ जा। कितने तक तो कोई गल नहीं, आटा गूंद दी, आटा तो गूंद के रखा हुआ था, मैं मुक्की दे रही थी आटे, बस आ जा जल्दी, लब्बू में खिला दी, तुम आपा ही खाने थे इन्ना ने फटाफटा। तो अभी क्या कहते हैं 8:30 हो गए हैं और छत पे भी गए थे हम, बस थोड़ी देर ही गए थे, फिर मच्छर सा आने लगा था, फिर उसके बाद हम नीचे ही आ गए थे। और लवण्या शोर मचा रहे थे छत पे जाने के लिए, और मन्नू बैठा है यहाँ पे। अभी लवण्या यहाँ लेटी हुई, उधर पूजा हो चुकी है, और मन्नू बोल रहा है कि मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, मेरा कुछ मीठा खाने का। लब्बू ने क्या खाना है? लवण्या ने कुछ खाना है? क्या खाना है लब्बू जी? तो मनु बोल रहा था मेरा मीठा खाने का मन कर, तो मैंने इधर खीर रखी है, उधर भी सब्जी गर्म कर रही हूँ और रोटी बनाना शुरू कर देती हूँ, रोटी खिलाती हूँ बना के सर के, और तब तक खीर बन जाएगी और ये बच्चों भी खा लेगी, ये गुगलू बच्चा भी खा लेगा, है ना लवण्या। और सुबह देखते हैं कि शायद हो सकता है लवण्या को ना दांत वाले डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, इसका ना दूध के दांत टूटे नहीं है, वो हिल रहे हैं और ऊपर से इसका दांत सा निकल आया। ये देखिए लवण्या का दांत, लब्बू दिखाई बुद्ध दांत दिखा, दांत तो इसके ना ऊपर, ये मनु दिखा दे दांत दिखा लब्बू, ये इसके दूध के दांत होते हैं, इसके ऊपर ना दांत से निकल लेगा। मेरे को टेंशन हो रही है, तो अब देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं ना, सुबह दिखाएंगे इसको। तो यहाँ पे खीर बनने वाली है, अभी गैस करूँगी बंद, और सब्जी रोटी बन गया। मनु का पापा खा के घूमने चले गए हैं और मनु ने भी खा लिया, और मैं और लवण्या खाएंगे। तो देखिए ये कैसे शोर मचा रही है। अब लेके आ रही हूँ बेटा, ले आ रही हैं। इसको टेबल पे लटाया था, ये ना भजन सुन रही थी, तो मन्नू ने अभी लगाया पता नहीं क्या। और ये टेबल दवाई दवाई खिला के फिर टेबल भी सारा साफ करूँगी अभी, और सुबह जाएंगे हम लवण्या को लेके डॉक्टर के पास। था ना छोटा बल्लम। तो डिनर वगैरह हमारा हो चुका है, तो अब लगे हम सोने के लिए। सुबह इसको लेके जाएंगे बच्चों को दांत दिखाने के लिए, जाना ना कल। हाँ
ना जब उतारते हैं उसको ना दर्द हो गैस की दवाई लेते हैं। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग आप सबको, मेरे तरफ से राम राम जी। तो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो लवण्या पूरी रात रोती रही, पता नहीं उसको क्या हुआ था, इतना रोती उसको झटके से भी लग रहे थे। और पूरी रात सोई थी, सुबह सोई है 8:30 बजे तक। उसके बाद फिर थोड़ी देर मैं सो गई, मगर चल थोड़ी देर मैं उठती हूँ तो फिर सोते रहते पता नहीं चला टाइम का, तो मैं भी सोती रही। फिर लेट हो गए तो फिर मन्नू का वो दिल्ली निकलना था, तो ये बोलते कि अब दोबारा आऊँगा ना, फिर उसके बाद लवण्या को हॉस्पिटल लेके जाएंगे, इसके दांत उन दिखाने हैं लवण्या के, तो उसके बाद जाएंगे हॉस्पिटल। तो अभी इनको दिल्ली निकलना है, तो इसलिए तो लवण्या का हॉस्पिटल जाना तो हो गया कैंसिल। अच्छा, तो मन्नू के पास जा रहे हैं दिल्ली, अभी सामान रखने जा रहे हैं, फिर आएंगे, अभी फिर सामान लेके जाएंगे, फिर रखेंगे गाड़ी में। तो अब ये दिल्ली निकल रहे हैं। बाय बाय, राम राम। ये जाएगा दूध वगैरह लेके आएगा। मैं जा रहा हूं दिल्ली, जावे दिल्ली, आए गंदे कपड़े पहन के जाऊंगा दिल्ली। बाय बाय बाय। 4-5 तो सामान सामान ला के रखा गया ऊपर, ये इनकी गाड़ी में सामान था, गाड़ी देके जाएंगे सर्विस के लिए, और ये जा रहे हैं बस में। इतनी गर्म होती है ना, इतनी गर्म बहुत ज़्यादा, और अब देखिए ये बैठेंगे तो इतनी गर्मी लगती है इसमें जब बैठते हैं। बाय। और ये वाला जो पेड़ है ना, अभी इसके ऊपर ना कोई पत्ते पुत्ते नहीं थे, अब आने लग गए पत्ते, अभी तक तो कोई भी नहीं था। तो ये देखिए, ये रोटी ना मन्नू ने बनाई है फर्स्ट टाइम, पहली बार, 14 साल का हो गया और आज इसने ये पहली रोटी बनाई है। तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर कर दूँ। मैंने ना रोटी बनाई थी, पराठे बनाए थे इसके लिए, और इसने सारे खा लिए। पहले कहते ज़्यादा है, तो मैंने सोचा मैंने लवण्या के लिए रोटी बना दिया, तो मैंने सोचा मैं खाने बैठे, जब देखा तो डब्बे में पराठे कुछ आए नहीं थे, रोटी रोटी तो लवण्या को रोटी खिलाया, तो मैंने इसको बोला कि मेरे लिए बना। अभी इसने मेरे लिए रोटी बनाया, ये दिखेगी इसकी पहली रोटी, वाह कितनी अच्छी है। और वो देखो वहाँ पर बना रहा है, अभी एक रोटी और बनाएगा। मैं मुँह सवार के बैठी कि पराठा खाऊंगी, है लगू वीर जी सारे पराठे चट कर गया, तो अब मेरे को ये रोटी खानी पड़ेगी। पर अच्छी है, ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम बनाया ना, धीरे धीरे सीख जाएगा, है ना लब्बू। तो गाइस मैंने ना रोटी बनाई और ये ना फूल गई अब, और अब मम्मा को देख के आता हूँ जल्दी से। तो मैंने और लवण्या ने खाना खा लिया, और मनु ने जो रोटी बनाई थी ना, इतनी टेस्टी, बहुत टेस्टी, फर्स्ट टाइम बनाई, बट रोटी बहुत स्वाद थी, बेशक टेढ़ी मेढ़ी थी, बट इतनी टेस्टी रोटी थी ना, बहुत ज़्यादा, रोटी भी इतनी स्वाद होती है, वाह, मनु के हाथों की रोटी ने मज़ा कर लिया, है भी लवण्या, लवू टेस्टी थी ना रोटी, तो खा रोटी बहुत अच्छी लगी। अब मनु से ही बनवाया करेंगे हम रोटी रोज, मनु से। मनु नहा हो लिया, और नहाने के बाद हम जब छत पर आए तो ये देखा हमने कि हाय भगवान, ये सारा पानी पानी पानी, ये टैंकी में मन्नू का अपने पाइप लगा रखा है ना, तो पता नहीं ये पाइप कैसे बाहर निकल गया, पूरी छत गिल्ली होगी और टैंकी खाली होगी, छत तो गिल्ली होगी होगी, टैंकी पूरी खाली होगी मन्नू, तो ये टैंकी खाली मन दिख नहीं रही, वैसे तो मोबाइल में दिख रहा होगा, पता नहीं कितनी होगी टैंकी, कितनी गंदी है ना। तो ये टैंकी ने पता क्या, इसके ऊपर ढक्कन भी नहीं था, बट ये है कि चलो पौधों को पानी देने के काम आ जाता है, हाँ, और शाम को भी पानी आएगा ना, फिर ये भर जाएगी टैंकी। और ये सारा पानी बताओ यहाँ से, यहाँ तो सूख भी गया, मनु नीचे पानी बाहर तो नहीं जाता हो रहे हैं। अच्छा ये आ लग गया हुआ है ना, तो इसमें से पाइप पे वो हो जाता था, वहाँ पे जब हम धोते थे ना बाहर बालकोनी, वहाँ तो पानी नीचे गिर जाता था सारा, यहाँ पे हाँ नीचे गटर गुटर में जाता होगा, उस वाले घर में ना पानी सारा वहाँ पे नीचे आ जाता था। और यहाँ पे ये दो चिड़िया बैठी रहती है, इधर चिड़िया बैठी रहती है, उधर तोते बैठे रहते हैं, बट आज पता नहीं कहाँ गए, वो अभी आई नहीं है, तो ये दोनों बैठी हैं यहाँ पे। तो लवण्या तो अभी तक सो ही रही है, और मैं जा रही हूँ बस अब नहाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मन्नू का ये बैग भी धुल के सूख गया, अब ये जाएगा 5 तारीख को स्कूल बैग के साथ मन्नू। ठीक है बेटे, चलो पकड़ो।